अभी हम मौजूद है डीएलबी भवन के सामने, जहां पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित एक भर्ती जिसका नाम फायर मैन था, उसका परिणाम आज डीएलबी बोर्ड ने जारी कर दिया है। उपेन यादव हमारे साथ हैं। लगातार ये पिछले 5 दिनों से डीएलबी बोर्ड के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। देखो, सबसे खुशी का पल है, 2021 में भर्ती आई थी, 2022 जनवरी में एग्जाम हुआ था और अगस्त 2023 में परिणाम आया था, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही थी। लगातार 26 और 27 तारीख को आंदोलन जारी रहा, 29 तारीख को आंदोलन जारी रहा, कल मंत्री के बंगले पर भी रात को आंदोलन जारी रहा और आज पूरे दिन भर से डीएलबी के बाहर आंदोलन जारी रहा। आखिरकार हमारे संघर्ष की जीत हुई। सबसे अच्छी बड़ी बात है कि डीएलबी जो शासन सचिव इनके निदेशक महोदय हैं हृदेश कुमार जी का, उनका धन्यवाद, उन्होंने अभ्यर्थियों की पीड़ा समझी, अपने ऑफिस में बुलाया और अभ्यर्थियों के हाथ में ज्वाइनिंग आदेश दिया। तो आज सैकड़ों अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो चुका है, इनके नियुक्ति आदेश जारी हो चुके हैं, फायरमैन जो एक सरकारी कर्मचारी बन चुके, इनके जो चेहरे पे जो खुशी है बहुत अच्छी है और ये लगातार जो हम संघर्ष कर रहे थे उस संघर्ष का परिणाम है। हमने हार नहीं मानी, यहाँ जब हम 26 तारीख को आए थे तो हमने ऐलान कर दिया था जब तक नियुक्ति आदेश जारी नहीं होगा हमारा संघर्ष नहीं रुकेगा, और आज जीत के साथ हमारा संघर्ष अब स्थगित हो रहा है। ढाई लाख से ज्यादा युवा बेरोजगारों को परिवारों में खुशी आई है। अब जिसका भी चेहरा देखो खुशी आए, बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उन युवाओं के उनकी पीड़ाओं में मैं साथ था, उनके माँ बाप की खुशियों में मैं साथ था, उनकी माँ बाप की दुआएं मुझे लगेगी और आज मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उनके आदेश जारी कराने में मेरा सहयोग रहा और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इनके मैं कोई काम आया। ये हर नेता, हर सांसद, हर एमएलए और राजनेताओं की जिम्मेदारी होती है कि युवाओं को रोजगार दिलाए, इनके दुख में साथ खड़े रहे, लेकिन कोई भी साथ नहीं था। लगातार 26, 27, 29 और 30 तारीख लगातार इनके साथ मौजूद रहा और नियुक्ति आदेश जारी करवाकर आज इन परिवारों में खुशी आई है। मैं सौभाग्यशाली हूँ, आज इनके लिए दीपावली आई है। कुछ चयनी तो हमारे साथ और जुड़े हैं, इनसे बात करेंगे। मैम, बहुत खुशी हुई है, बहुत खुशी, लिटरली हमने 2 साल वेट किया और आज फाइनली हम लोगों को रिजल्ट मिला, थैंक यू सो मच। भैया आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि 2021 के बाद, 2.5 साल के संघर्ष के बाद और पिछले 5 दिनों के धरने के बाद आज स्वयं शासन विभाग ने हमारी मांगे मान ली और नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए। इसके लिए मैं उपेन जी यादव साहब का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि वो अंत तक हमारे साथ खड़े रहे, और मैं राजस्थान सरकार का धन्यवाद दूंगा कि आज आपने दिवाली से पहले 480 परिवारों के घर में खुशियां ला के दी है। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार। आप पिछले सर, आज हमें फाइनल नियुक्ति मिल गई है, बहुत खुशी है, 480 परिवारों के अंदर खुशी आई है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये लगातार बेरोजगार अपनी मांगों के लिए यहाँ पर डटे हुए थे, आज इनकी इनको डीएलबी बोर्ड ने खुशखबरी दी है। कुछ और चयनित हमारे साथ जुड़ेंगे। सर आप, सर यहाँ 5 दिन से संघर्ष कर रहे हैं और 5 दिन धरना देने के बाद में उपेन जी यादव साहब के साथ बैठ कर यहाँ धरना दे रहे हैं। धरना देने के बाद में स्वयं शासन विभाग ने हमें आज नियुक्ति के आदेश दिए हैं, इसकी हमें बहुत खुशी है, धन्यवाद सर। ये चयनित अभ्यर्थी लगातार अपनी खुशी को जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ चयनित हमारे साथ और जुड़े हैं। सर आज आपको डीएलबी बोर्ड निदेशक नियुक्ति के आदेश जारी किए। वाकई में डीएलबी का जो एक जो नगर निगम का सिस्टम है, इसके अंदर शनिवार और सैटरडे रविवार की जो छुट्टी रहती है, इस बिजी शेड्यूल में चुनावी जबकि आचार संहिता लगने वाली है, निर्देशक महोदय उस तैयारियों में भी बिजी है, अपने स्वायत्त शासन की विभाग की अपने, और उस बिजी माहौल के अंदर और उस बिजी शेड्यूल के अंदर हमारे लिए समय निकालकर शनिवार के दिन नियुक्ति आदेश जारी करना, मैं तो वाकई में इसमें जो मैनेजमेंट और प्रशासन का बड़ा ऋणी हूँ और सारे 480 विद्यार्थी इसमें आज उनको बधाई देना, बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल, लगातार चयनित फायरमैन के अभ्यर्थी डीएलबी निदेशक को बधाई दे रहे हैं। कुछ चयनित और हैं हमारे साथ ही, इनसे बात करेंगे। मैम, आज बहुत खुशी हो रही है सर, बहुत खुशी। आपने 5 दिन यहाँ पे संघर्ष किया है, उसका नतीजा आज आपको देखने को, आज हमें मिल गया उसका पोस्टिंग किशनगढ़। हमारे साथ कुछ चयनित अभ्यर्थी और जुटे हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, ये लगातार पिछले 5 दिनों से यहाँ पर संघर्ष कर रहे थे। इन चयनित अभ्यर्थियों से हम बात करते हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि हम इतना ज़्यादा खुश है,
फाइनली हमारे पेरेंट्स ने जो हमारे लिए सपने देखे थे वो पूरे हो गए। सर एक बात बोलना चाहूँगी, सब बोलते हैं ऐसा डिपार्टमेंट है ये तो लड़के कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि लड़के लड़कियाँ नहीं कर सकते, लड़कियाँ सब कर सकती है। और इस डिपार्टमेंट में इस बार इतनी सारी लड़कियाँ आई और वो एकदम बेस्ट अपना पूरा 100% देगी। पिछले 5 दिनों से आप यहाँ लगातार संघर्ष कर रहे थे, उस संघर्ष को लेकर हम इतने परेशान थे, हमें उम्मीद छोड़ चुकी थी हम लोगों का कि ये नियुक्ति हमको देंगे। पर जब हम कल मंत्री जी के निवास पे गए तो उन्होंने हमारा, जब हम लोगों के एकता देखी कि हाँ ये एक साथ है सब, अब इनको कोई नहीं रोक सकता, तो मंत्री जी को फाइनली हमारे आदेश नियुक्त के लिए करने पड़े फाइनली। मैम आपका नियुक्ति आदेश? मैं बहुत खुश हूँ, मैं भी और सब लोग। कल जब हम बहुत परेशान थे, लास्ट में हमें जब नहीं मिली होप कोई भी, तब हम मंत्री जी के घर पे सबने घेराव डाला, वहाँ से फिर वहाँ भी थोड़ा टाइम ऐसे ही चलता रहा, फिर थोड़ी उम्मीद दिखी, फिर आज हमारे घेराव की वजह से उन्होंने छुट्टी के दिन भी हमारे आदेश जारी कर पोस्टिंग का अजमेर, बट मैं जयपुर की हूँ। कुछ चयनित अभ्यर्थी हो रहे हैं जिनका अभी DLB बोर्ड ने इनको नियुक्ति आदेश प्रदान किया है, हम इनसे बात करेंगे। सब आपने लगातार संघर्ष किया उसको लेकर? मैं इस फायरमैन भर्ती 2021 की संघर्ष समिति चयन समिति का अध्यक्ष था, मैंने उपेंद्र जी के साथ मिलकर लंबी लड़ाई लड़ी। भर्ती में पहले भी कई प्रकार की बाधाएं आई, फिजिकल प्रैक्टिकल को लेके भी इश्यू हुआ, उसके बाद में जब अंतिम परिणाम घोषणा करवाने के लिए हमने बार बार बोर्ड पर धरना दिया, जब एक समय ऐसा आया जब हरि प्रसाद जी ने चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया, पर उसके बाद में आलोक जी जो रिटायर्ड आर्मी से हैं उन्होंने इस बोर्ड की कमान संभाली और एक बेहतर परिणाम निकाल के दिया, जिसे फर्जी और एक भी युवा ऐसा पास नहीं हुआ जो घपलेबाजी करके अंदर जाना चाहता था। एक साफ सुथरा रिजल्ट आया जिसे सभी 480 परिणाम परिवारों में एक खुशी का माहौल है। जो अंतिम परिणाम आया उसमें उपेंद्र जी यादव बेरोजगार महासभा एकीकृत अध्यक्ष, उनका एक बड़ा योगदान है, वो पिछले 5 दिनों से हमारे प्रति समर्पित थे। हमने 2 बार शांति जी धारीवाल के बंगले को घेर के रखा था पर किसी भी प्रकार की हमें अड़चन नहीं हुई, अंत धारीवाल जी ने हमारी बात सुनी, आज 480 परिवार खुश है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राजस्थान सरकार को कि आगे भी इस तरह की छोटी छोटी भर्तियाँ निकालते रहे। धन्यवाद।